26 देखिए क्या कह रहा है। इफ देखिए यहाँ तीन मैट्रिक्स प्रोडक्ट के फॉर्म में और इक्वल टू में है जीरो मैट्रिक्स, हम फाइंड करना एक्स। पिछले क्वेश्चन की तरह ही है यहाँ पर। चलिए देखिए, फर्स्ट जो है यहाँ मैट्रिक्स, ये एक रॉ मैट्रिक्स है वन माइनस वन एक्स, दूसरा 3 बाई 3 ऑर्डर का एक स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसका एलिमेंट है 0 1 -1 2 1 3 1 1 1 और तीसरा एक मैट्रिक्स, एक कॉलम मैट्रिक्स दिया जिसका एलिमेंट है 0 1 1 इक्वल टू में 0 मैट्रिक्स। अब ध्यान से देखिए यहाँ 1 -1 x, हम लोग क्या करते हैं इन दोनों में पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं, फर्स्ट रो में फर्स्ट कॉलम से करेंगे तो 0 + 1 - 1 ठीक है, और सेकेंड रो में फर्स्ट कॉलम से करेंगे तो 0 + क्या हो जाएगा आपका 1 और प्लस में 3, थर्ड रो में फर्स्ट कॉलम से करेंगे तो आ जाएगा 0 + 1 + 1। तो यहाँ पर देखिए 1 - 1 और फिर एक्स, यह है रॉ मैट्रिक्स और यहाँ पे एक कॉलम मैट्रिक्स निकल के आ जाएगा 0 4 2 इक्वल टू में 0 मैट्रिक्स। चलिए हम लोग इस फर्स्ट रो में इस फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, इन दोनों में मल्टीप्लाई करना होगा ना, चलिए देखते हैं क्या होता है। तो आ जाएगा 0 - 4 और फिर आपका प्लस का 2x = 0, इसको उधर ले जाएंगे तो 2x = 4 ये जाएगा डिवाइड में, तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा आपका 2 नहीं आ जाएगा, तो x का वैल्यू 2 हो गया। समझ गए, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए